गर्म बहुत हो रहा है, अभी नहीं खा रहा। तो ये पूरा फोटोशूट कराने का एरिया जो बहुत लोग फोटोशूट कराते हैं यहाँ पे, वैसे भी आ चुके हैं ड्रीम कैचर पे। मेरे को वो भी ट्राई करना है, क्या वाइब्स आ रही है यार। तो कैसे आ चुका पहले लिस्ट में स्ट्रीट पे। ओ यार क्या बढ़िया, गाइस अगर आपको चंपा गली आना है तो उसके लिए जैसे ये जो साइड आ रही है ना, ये आ रही है अपनी साकेत मेट्रो से, और जो ये जा रही है गार्डन ऑफ फाइव सेंस के लिए। तो जो लोकेशन के साथ आते हैं मैप से, तो आप बाहर से आइएगा, अंदर वाला रूट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, और इसके बाद जा रही है ये गली अंदर जिसको हमें लेके जाएगी चंपा गली। तो चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे रास्ते की वीडियो। अभी टाइम हो चुका है 7:32। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा गली के अंदर, वो तो बहुत मज़ा आने वाला वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे। तो अभी हम एंटर करेंगे, अभी हम एंटर करने वाले हैं। तो गाइस देखो यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं कैफेज। अभी पिज्जा, वैसे मैंने एक ये भी देखा था रेड ब्रिक करके है, मेरे को वो भी ट्राई करना है। क्या वाइब्स आ रही है यार, मज़ा आ जाएगा भाई। बिग बॉक्स ये है, बिग बॉक्स ये द ग्रीन व्यू है पूरी, जो अपनी चंपा गली की स्ट्रीट है। थोड़ा आज बारिश हुई थी, उस वजह से पानी वानी आपको दिख रहा होगा। तो क्या जा चुका पहले लिस्ट में स्ट्रीट पे। ओ यार क्या बढ़िया, सॉरी देखिए ऊपर की साइड बढ़िया ना। तो ये पूरा फोटोशूट कराने का एरिया जो बहुत लोग फोटोशूट कराते हैं यहाँ पे। और ये आ गई मेरी गाड़ी सैदुल्ला जाब चंपा गली। तो कह देख सकते हैं क्या बढ़िया से डेकोरेट कर रखा है यार, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। कहते अगर आप लोगों को भी अगर यहाँ पे आना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, शेयर कर दूँगा सारी डिटेल्स यहाँ की, आप आ सकते हैं। कहाँ का बढ़िया बैठ सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, इस साइड पे है, यहाँ है थोड़ी से भी। तो आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा अंदर। जैसे मैं आ चुका हूँ बारी के अंदर और मैंने कर दी थी अपनी टेबल बुक, और काफ़ी बढ़िया है सीटिंग अरेंजमेंट, उस साइड में बैठ सकता हूँ लेफ्ट साइड जाके राइट साइड जाके दोनों जगह। और ये तो आप देख ही सकते हैं बाहर की साइड। ये बैठे सर, सर कैसा लग रहा है? बढ़िया आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, और जो बढ़िया है ना, और सीटिंग अरेंजमेंट्स यूनिक है ना, कुछ अलग है ना। वैसे यहाँ ना सारे जितने भी कैफे बने ना सबकी अलग ही है, ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। बारी 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 से आओ, है भीड़ मत लगाओ, अभी हमारी बारी है। गाइस सर पूछ रहे हैं आपकी बारी कब आएगी, कमेंट में बताना बिल्कुल। तो कैसे मैं आ चुका हूँ अपने टेबल पर, देखते हैं। मैं सामने ना उधर नहीं बैठा, इधर बैठा, मैं इसलिए बैठा क्योंकि मेन था अंदर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था देखने में, क्योंकि भाई ट्राई करना चाहिए ना कोई नई जगह। तो गाइस जो मैं आया था ना चंपा गली, वो इसलिए आया था बेसिकली रूफ टॉप के लिए, कि मेरे को कोई बढ़िया से कैफे मिले जिसका रूफ टॉप हो, मैं आपको दिखाऊँ बढ़िया से काफ़ी अच्छे से। बट क्या हुआ ना कि रूफ टॉप वालों का था वीडियो बनाने नहीं देंगे, मैंने कहा यार वीडियो बनाने दोगे, वीडियो बनाने दोगे सिखाया था क्या, फिर हो गया मज़े नहीं आया। तो इसलिए मैं बारी आ गया, बारी का मैंने काफ़ी सुना था बारी के बारे में, और काफ़ी मैंने देखी थी पोस्ट लोगों की, तो मैंने कहा इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि अब यहाँ के व्लॉग्स तो रेगुलर आने स्टार्ट हो ही जाएंगे। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी प्रॉपर वीडियो आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा कि कैसा है बारी कैफे। बट ये अभी फूड आने वाला है। तो क्या जो मैंने ऑर्डर किया है वो क्या है, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, और दूसरा मैंने किया था पास्ता जो था कुछ अलग सा नाम था परमा रोज़ा।
पनीर टिक्का। थैंक यू भैया। सर आ गया अपना फूड बढ़िया वाला। चल लजीज लग रहा भाई। तीन के रास्ते हाँ। गर्म बहुत हो रहा है, अभी नहीं खा रहा। गाइस काफ़ी गर्म हो रहा है तो थोड़ी देर बाद खाऊंगा। क्योंकि ब्लॉगर की प्लेट ज़्यादा अच्छी सजी होनी चाहिए। क्या बोलते हो सर? मेरा जो फर्स्ट मैंने पास्ता मंगाया था ना परमा रोज़ा, वो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ खाने के लिए, तो देखते हैं कैसा होगा। नॉर्मल है, ठीक ठाक है। चिली फ्लेक्स तो मैंने डाल लिया, चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। थिन क्रस्ट है ये। पिज़्ज़ा की बारी आ गया, ये ट्राई करता हूँ। बढ़िया है। फिर क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया, वेरी अल्टीमेट लग रहा है। टेस्टी लगा मेरे को। पास्ता थोड़ा सा एवरेज था। पास्ता में हुआ क्या कि ना, जो हम लोग सोच रहे थे वैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अपन प्लान कर रहे थे कुछ और, बट वो निकला कुछ और। बट कोई बात नहीं, पास्ता बट पिज़्ज़ा तो अल्टीमेट था गाइस। पिज़्ज़ा में मज़ा आ गया मेरे को। तो ज़रूर आइएगा बारी रेस्टोरेंट में, सैदुल्ला जाब में है, चंपा गली में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया था मेरे को तो भाई। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे लगे। फूड के अकॉर्डिंग बोला जाए तो फूड मेरे को मतलब अपना अपना टेस्ट होता है यार। मैं सही बताऊँ, पास्ता का मेरे को टेस्ट थोड़ा सा हल्का क्यों अलग लगा, क्योंकि क्या पता उनके जो क्रीम्स है जो वो लोग यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या पता मेरे को पसंद ना हो। बट आपको पसंद हो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा आप बताइए, मेरे को कमेंट करें कैसा आपको लगा। बाकी मैं चलता हूँ यहाँ से, अपना वीडियो करता हूँ यहाँ पे पैकअप रैपअप और चलते हैं घर। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप अपना कोई बढ़िया दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आइएगा चंपा गली। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। टाटा बाय।